आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDLA 136, ठीक है, हिंदी भाषा संप्रेषण, ठीक है। इसमें अगर बात करूं, आज ही इस क्लास में मैं आप सभी को चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और आखिरी जो चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 11 मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि आपको कम से कम ये 1.5 घंटे की क्लास होने जा रही है, ठीक है। इसमें मैं खास तौर से वर्णात्मक लेखन, आख्यान परक लेखन और तार्किक लेखन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस क्लास को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, ठीक है। ये हाफ मैराथन जरूर रहेगी, ठीक है, बाकी मैराथन के लिए आप बाद में एग्जाम से 2 दिन पहले मैं आपके लिए जरूर लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। तो देखिएगा आज की जो हमारी क्लास है चैप्टर नंबर 9, देखिएगा चैप्टर नंबर 9 जो है वो है वर्णात्मक लेखन। वर्णात्मक लेखन आखिर होता क्या है? वर्णात्मक यानी किसी चीज के हम वर्णन करते हैं, जैसे कहने का मतलब है, लेखन मतलब समझते हो लिखना किसी चीज के बारे में। जैसे मान लीजिए भाई मैं किसी व्यक्ति के बारे में लिख रहा हूँ, तो मैं बताऊंगा उसकी आंखें ऐसी हैं, उसके बाल ऐसे हैं, ठीक है, वो व्यक्ति ऐसे चलता है, ठीक है, या उसका पेट ऐसा है, ठीक है, या उसके नयन कैसे हैं, काली आंखें हैं, कटीली आंखें, इस प्रकार। यानी जब हम किसी चीज का वर्णन करते हैं, चाहे वो व्यक्ति का वर्णन है, जैसे तुम सबने कई बार देखा होगा कि हम लोग व्यक्ति का जब वर्णन करते हैं तो बताते हैं कि मोटा है, पतला है, लंबा है, चौड़ा है, ठिगना है, ठीक है, या किस प्रकार का व्यक्ति है, गुस्से वाला है, काला है, कलूटा है, इस प्रकार से भी वर्णन किया जा सकता है ना, बाल लंबे हैं, बाल छोटे हैं, ठीक है, कपड़े कैसे पहनता है, चलता कैसे है, ठीक है, या क्या बोलते हैं, आगे का झुका हुआ है या कुबड़ निकला हुआ है, ये व्यक्ति व्यक्ति का वर्णन। यानी वर्णात्मक लेखन में क्या आता है कि जब हम लोग किसी व्यक्ति का वर्णन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप प्रधानमंत्री का वर्णन कर रहे हैं, जैसे खास तौर से इतिहास में आप लोग देखने को मिलता होगा कि कई सारे बादशाहों के या राजाओं के शारीरिक वर्णन काफी हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। यानी बॉडी शेमिंग जिसको आप कह सकते हैं, यानी हम जब हम बॉडी को आइडेंटिफाई करके चीजों को लिखते हैं, किसी व्यक्ति को जब हम डिटेल में लिख रहे हैं, ठीक है, यानी उसके शारीरिक बनावट को ध्यान, यानी वर्णात्मक यानी फुल डिटेल में एक्सप्लेन हो। उसके बाद जैसे हम किसी स्थान के बारे में वर्णन करते हैं, जैसे भैया मान लो आप कहीं पर घूमने गए हो, ठीक है, जैसे आप कहीं पर वह कश्मीर गए हो, कन्याकुमारी गए हो, शिमला गए हो, मसूरी गए हो, या जगन्नाथपुरी गए, रामेश्वरम गए, कहीं पर अगर आप लोग घूमने फिरने गए हैं, तो उस स्थान का भी हम लोग क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। जैसे मान लो कि भाई मैं वहां घूमने गया था, वहां पर झील ऐसी थी, झरना ऐसा था, नदी था, पहाड़ था, और हमारी बस चल रही थी, लग रहा था बस जाकर नदी में फट से कूद जाएगी, बस गिर जाएगी, हम मर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ड्राइवर ने फट से बचा लिया सबको, ठीक है। तो कहने का नहीं, जब हम किसी स्थान का वर्णन करते हैं, जैसे आप ताजमहल घूमने, कहीं पर भी किसी स्थान का, ठीक है, किसी दृश्य का, यानी किसी मोमेंट का जब वर्णन करते हैं, जैसे खासतौर से फिल्म में कोई कोई दृश्य होता है, जैसे अदालत का कोई दृश्य है, ठीक है, तो किसी दृश्य को जब हम वर्णन करते हैं, जैसे मान लो तुमने किताबों तुम सबने पढ़ा होगा, तो उसमें बताता कि गाँव का इलाका है, ठीक है, सुबह हो रही है, चिड़िया चहचहा रही है, ठीक है, लोग लोटा लेकर के खेतों में जा रहे हैं, इस प्रकार का भी वर्णन कर सकता है मेरे जैसा आदमी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी दृश्य का वर्णन करते हैं या किसी वस्तु का जब वर्णन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई भी चीज है, जैसे आपकी मोटरसाइकिल है, आपकी बाइक है, आपकी कार है, आपका मोबाइल है, आप किसी चीज को, जैसे आप बता रहे कि मेरी जो कार है काले कलर की है, ठीक है, ऐसी वैसी, यानी किसी भी वस्तु का वर्णन करें, जैसे फ्रिज है, कूलर है, ऐसी है, कोई भी वस्तु हो जिसका हम वर्णन करते हैं, उसी प्रकार से किसी स्थिति का, सिचुएशन जिसे आप लोग कहते हैं, ठीक है, किसी स्थिति का वर्णन करें कि भाई वो जगह पर सिचुएशन ही ऐसी बन गई, ठीक है, कि लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, या किसी दशा का, यानी किसी दशा का, या हम किसी कार्य प्रणाली या किसी प्रोसेस का, जैसे आपसे पूछे भाई भारत में इलेक्शन कैसे होता है, तो उसका तुम पूरा प्रोसेस बताओ कि फलाने फलाना ऐसा ऐसा होता, ऐसा ऐसा चुनाव होता, यानी किसी कार्य प्रणाली का या किसी प्रक्रिया का वर्णन जब करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं भैया क्या, वर्णात्मक लेखन कहा जाता है। यानी जब हम किसी चीज का वर्णन करते हैं, वर्णन मतलब यानी एक्सप्लेन किया जाता है, चाहे हम किसी व्यक्ति के बारे में एक्सप्लेन में डिटेल में लिख रहे हैं, या हम किसी स्थान के बारे में, किसी दृश्य के बारे में, कोई दृश्य है, कोई मोमेंट है, ठीक है, कोई दृश्य है, जैसे आपने कोई कुछ देखा, आपने नदी वदी देख रखी, झरना देख रखा, उस दृश्य का जब आप वर्णन कर रहे हैं, तो भी किस में आता है, वर्णात्मक लेखन में आएगा। यानी उसका आप लोग क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हो, ठीक है, उसमें डिटेल में जब हम लोग लिखते हैं उसको कहा जाता है। जैसे मैंने बोला किसी वस्तु का, भाई वस्तु तो कोई भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे करके बताया ना, मोबाइल है, कार है, घर है, किसी घर का, घर का जैसे आपका हाउस है, घर है, तो घर में ऐसा बना हुआ, चार कमरे बने हुए हैं,
यहाँ लैटरिन है, यहाँ बाथरूम है, यहाँ से एंटर करते हैं बाहर जाते हैं। जैसा लोग ब्लॉग वीडियो में बना रहा है उसमें तो काफी डिटेल में वर्णन करते भाई मेरे, आज तो लोग ब्लॉग वीडियो जो बनाता है उसमें क्या वर्णन ही तो कर रहा है, यानी घर दिखाएगा, फलाना दिखाएगा, ये दिखाएगा, यही होता वर्णात्मक। यानी जब हम किसी चीज को सिर्फ यहाँ पर क्या लिख रहा है बस उसको, ठीक है, वो ये वर्णात्मक लेखन होता है। देखिएगा अब हम लोग वर्णात्मक लेखन को थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। देखिएगा जब हम किसी व्यक्ति का वर्णन करते हैं तो हम उसके बाह्य रूप, जैसे उसका आकार क्या, उसका रंग क्या, उसका आयु क्या, वजन क्या है, इस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि हमें किसी व्यक्ति का चयन या किसी पद के लिए करना है तो हम व्यक्ति के आंतरिक गुणों को वर्णन करते हैं, यानी वो कितना पढ़ा लिखा है। जैसे मान लीजिए मैं किसी को भाई काम के लिए रख रहा हूँ, तो किसी चीज को पढ़ाने वढ़ाने के लिए रखा जा रहा है, तो देखा जाएगा भाई वो कितना पढ़ा लिखा है, उसका कौशल कितना, उसका एक्सपीरियंस कितना है, ये सारी चीजें देखी जाती है। आपने कई बार देखो, कई बार जैसे तुम लोग कहीं पर जाओगे, जैसे मान लो तुम्हारे घर के आसपास कहीं चोरी हो गई या किसी का मर्डर हो गया, तो पुलिस वाले भी हुलिया लिखवाते हैं, कातिल का हुलिया बताओ, तो बताएंगे कातिल की आंखें ऐसी थी, बाल ऐसे थे, हाथ में ब्रेसलेट पहन रखा था, चप्पल उसकी टूटी हुई थी, एक एक पैर में काले कलर का निशान था। यानी आप सबने कई बार पुलिस रिपोर्ट में भी चोर का हुलिया बताना कई बार पड़ता है क्या, उसकी भी तो वो लोग वेशभूषा बताते, कैसा था, कैसा नहीं दिखता था, कुछ बताएगा, ठीक है। ये क्या है, ये सारा वर्णन ही तो किया जा रहा है, यही क्या होता है वर्णात्मक लेखन। किसी पद के लिए जैसे अगर जैसे मान लो तुम कहीं पर फार्म भर रहे हो, तो अपने बारे में बताओगे मेरा नाम क्या है, मेरे पापा का नाम क्या, मम्मी का नाम क्या है, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, शादी हुई है नहीं हुई है, अनमैरिड हूँ, मैं कौन कौन सी भाषा जानता हूँ, ये क्या है, ये सारा वर्णात्मक ही लेखन तो है। जैसे मान लो कई बार जैसे तुम देखा होगा जब कोई खाना वाना बनाता है तो उसमें देखता नहीं, खाना बनाने में जैसे विधियां नहीं आती है, जैसे भाई तुमको गाजर का हलवा बनाना है तो उसमें रहता है 5 किलो गाजर लाना है, काटना है, ये क्या है। यानी जब उस चीज का हम वर्णन करते हैं, यानी किसी चीज का भी, किसी प्रोसेस का, यही हम लोग क्या करते हैं वर्णात्मक लेखन कहा जाता है। व्यक्ति का वर्णन, जैसे इसमें व्यक्ति का वर्णन कैसे किया गया, एग्जाम्पल देखो, रमेश 17 वर्ष का दुबला पतला लड़का है, पतला लंबा लड़का है, यानी उसका तो डिटेल बॉडी यानी शरीर को बता रहा थी भाई दुबला पतला है और हाइट उसकी लंबी है, लोग उसे लंबू कह करके चिढ़ाते, क्या बोलते भैया लंबू कहकर, काला होता तो कालू कह के चिढ़ा देते, ठीक है। उसका कद 6 फुट से अधिक है, ठीक है, चेहरा पीला जैसे टीबी का मरीज हो, यानी चेहरा पीला पड़ गया है इसलिए लोग बोले भैया टीबी का मरीज हो, लगता है उसे ठीक से खाने पीने को नहीं मिलता, भूखे मर रहे होंगे, कहने का मतलब क्या, ऐसे लोग बोलेंगे ना, भूखे मर रहे, खाने पीने को नहीं मिलता। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जब हम ये व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा वैसा वर्णन करें, ऐसा भी कर सकते हैं, एक व्यक्ति है बड़ा सुंदर है, सुशील है, ठीक है, या बहुत अच्छा है, ठीक है, या खाया पिया खाते पीते घर का है, ठीक है, 60 किलो वजन है, 70 किलो वजन है, यानी किसी भी प्रकार का वर्णन किया, ठीक है, जैसे उसे कुपोषण उसके चेहरे से झलकता है, ठीक है, ये व्यक्ति का वर्णन है। ऐसा ही ऐसा तो वर्णन मत करना भाई मेरे, अगर किताब में लिख रहे हो आंसर शीट में ऐसा वर्णन मत करना जैसा इन लोगों ने कर रखा, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है किसी चीज को लिखने में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसका वर्णन करेंगे तो इसके जैसे इसके कद के बारे में बात की गई, इसकी आयु के बारे में बात की गई है, इसका वजन कितना है, शारीरिक गठन क्या है, इसका रंग क्या है, इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो लड़के के बारे में हम लोगों ने बात की, व्यक्ति का वर्णन यानी व्यक्ति के बारे में हम उसके शारीरिक शरीर उसका कैसे है, ठीक है, लंबा है, पतला है, मोटा है, हम उसका बता रहे हैं, खाता पीता नहीं है, ये पूरी तैयारी उस व्यक्ति का डिटेल में हम लोग लिख रहे हैं, इसी को बोलते हैं ये वर्णात्मक लेखन ही है। क्या बोलोगे, जैसे 4 लाइन लिखी गई है ये वर्णात्मक लेखन की कैटेगरी में, ऐसे तुम अपने बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है, उसमें अच्छा ही अच्छा ही लिखोगे, मुझे पता है तुम सबका, ठीक है। तो आगे देखेगा व्यक्ति का वर्णन किया जा सकता है। देखो अगला देखेगा, जैसे हम लोग पढ़ते इसको पढ़े, देखो इस पद्यांश को पढ़े, देखेगा मोहन बाबू लगभग 60 वर्ष के हो गए हैं, चौड़ा माथा, पके हुए बाल, माथे पर उभरी हुई सिलवटें, धसी हुई आंखों के नीचे काले धब्बे, चिपके हुए गाल, इससे मोहन बाबू की पेशानियां जरूर प्रकट होती हैं, बात बात पर बिगड़ने लगते हैं, उनका चिड़चिड़ापन उनके इधर कुछ अधिक बढ़ गया, क्योंकि आदमी जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है वैसे चिड़चिड़ापन उसमें ज्यादा आता है, ठीक है, क्योंकि वह अगले वर्ष रिटायर होने वाले हैं, इधर उनकी 2 बेटियां अभी तक अविवाहित हैं, आर्थिक तंगी ने उनकी चिंता का विषय, यानी ज्यादा पैसा नहीं, आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा है, जिससे वो मोहन बाबू ज्यादा चिड़चिड़े हो गए। पहले मोहन बाबू ऐसे नहीं थे, ना थे, वह बहुत ही हसमुख व्यक्ति थे, मिलनसार थे, ठीक है, सहयोगी स्वभाव के थे, शरीर भी उनका ठीक ठाक था, मस्त मौला, जैसे कोई चिंता उन्हें
छू तक न गई हो, लेकिन समय बदलने में देर नहीं लगती। अब वह चिंता की प्रतिमूर्ति कहे जा सकते हैं, जिसे यहाँ पर मोहन बाबू के बारे में डिटेल में कह सकती है। क्या है ये? वर्णात्मक लेखन है। और कैसा वर्णात्मक लेखन है? व्यक्ति का वर्णात्मक लेखन भाई मेरे। किसके वर्णात्मक लेखन किया गया है? किसी व्यक्ति के बारे में जब हम लोग वर्णन करते हैं, इस प्रकार से ये वर्णात्मक लेखन है। जैसे किसी स्थान का, किसी दृश्य का या किसी वस्तु का जब वर्णन करते हैं तो यह भी वर्णात्मक लेखन की कैटेगरी में आता है। देखिएगा, जैसे ये बोल रहा है कि मेरे चाचा जी का ठीक है लाजपत नगर में एक छोटा सा मंजिला मकान है। यानी क्या है? किसी कह सकते हैं किसी घर का वर्णन करें। यानी क्या है इसको आप लोग कह सकते हो कि ये किसी स्थान का वर्णन है। ठीक है, मेरे चाचा की जी का जहर घर है, ठीक है, लाजपत नगर में एक छोटा मंजिला मकान है। वह इसी मकान में पिछले 30 वर्ष से रह रहे हैं। अब गली में सभी मकान दो या बहुमंजिला बन गए हैं। इसमें से एक बैठक यानी ड्राइंग रूम है, दो शयन कक्ष यानी बेडरूम है। कमरों का आकार 12 फुट लंबा 10 फुट चौड़ा है। बैठक शायद 18x12 होगी। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये क्या है? किसी स्थान का वर्णन है। किसका वर्णन है भाई मेरे? यहाँ पर स्थान का वर्णन किया गया इस प्रकार से। जैसे यहाँ पर लाजपत नगर गली सनी बाजार घर ड्राइंग रूम बेडरूम आंगन बरामदा ये सारी क्या है? ये वो डिफाइन कर रहा कि वो चीजों को बता रहा, किसी स्थान के बारे में बता रहा ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? किसी स्थान के बारे में जब वर्णन करते हैं तो ये भी क्या है? वर्णात्मक लेखन। यानी हम किसी चीज का जब वो वर्णन किया जा रहा है। ठीक है जी, अगला देखिएगा, निम्नलिखित गद्यांश को देखो। ठीक है, एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी श्रावस्ती पधारे। कौशल की राजा प्रसेनजीत ने महात्मा बुद्ध से कहा, भगवान अंगुलीमार डाकू ने मेरी प्रजा को बहुत परेशान किया है, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आता। भगवान बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और कहा, महाराजा आप चिंता न करें, आपकी यह चिंता शीघ्र दूर हो जाएगी। श्रावस्ती से महात्मा बुद्ध सीधे उस जंगल की ओर चले गए जहां पर अंगुलीमार रहता था। दोपहर का समय था। भगवान बुद्ध वो अंगुलीमार खास तौर से यहाँ पर जो महर्षि वाल्मीकि की कहानी है उसको यहाँ पर लिखा गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किस चीज का वर्णन है भाई? किसी दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। ये क्या है? इसका दृश्य कह सकते हैं। किसी दृश्य के बारे में खास तौर से जो महर्षि वाल्मीकि की जो कहानी अंगुलीमार की जो कहानी है, यानी अंगुलीमार से वाल्मीकि बदलने की जो कहानी है, चेंज होने की कहानी है, उस कहानी है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो किसी दृश्य का वर्णन किया जा रहा है। तो अगर कहीं पर किसी दृश्य का वर्णन है तो भी क्या होगा? वर्णात्मक लेखन ही होगा। क्या होगा भाई मेरे? वर्णात्मक लेखन की कैटेगरी में आता या कहा जाता है। और इसी प्रकार से किसी वस्तु है, जैसे कोई भी वस्तु है, आपके घर में कोई वस्तु है, उसका अगर आप वर्णन कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि मेरे घर में एक पंखा है, ठीक है, जो हड़का बिगड़ा हुआ है, लाल कलर का है, दो पंखुड़ियों वाला है, ठीक है, बिजली को दिखाना है, चलता नहीं है, खर खर की आवाज करता है, ठीक है, गर्मी आ रही है, इसको हमें ठीक करवाना है। तो इस प्रकार का अगर आप देखेंगे जो रहेगा, ये भी क्या किसी वस्तु का जब वर्णन कर रहे हैं तो यह भी वर्णात्मक लेखन की कैटेगरी में ही आता। किस में आता है? यह भी क्या है? वर्णात्मक लेखन ही है। यानी किसी स्थान का, ठीक है, दृश्य का या किसी हम वस्तु का वर्णन करते हैं तो या देखो, जब भी एग्जाम में लिखना तो उदाहरण खूब लिख के आना। क्या लिखना भाई मेरे? उदाहरण आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर गद्यांश को कह रहे हैं कि फलाना गद्यांश पढ़ो, और ऐसे ऐसे गद्यांश, छोटे छोटे गद्यांश लिखना, बड़े बड़े नहीं कि 10 आए एक पन्ने का एक गद्यांश बना दिया। छोटे छोटे लिखोगे तो ज्यादा रहेगा, 1 2 3 4 5 करके लिख देना, ठीक है, इससे करेगा टीचर आसानी से समझ पाएगा। ठीक है, बड़े बड़े गद्यांश मत लिखना क्योंकि इतना कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है, इस वजह से छोटे छोटे लिखेगा। ठीक है, जैसे किसी स्थिति या किसी दशा का वर्णन किया जाए, जैसे कहीं पर कोई स्थिति है या कोई दशा है, उसका भी अगर हम लोग वर्णन करते हैं तो वह भी वर्णात्मक लेखन ही है। अभी तक आपने किसी व्यक्ति स्थान घटना या दृश्य का वर्णन करना सीखा है। इस खंड में हम आपको किसी स्थिति या दशा का वर्णन करना सिखाएंगे। इस प्रकार का वर्णन हमें सार्वजनिक कार्यक्रम, जैसे कॉलोनी में, जैसे मान लो किसी की शादी है, कोई बड़ा फंक्शन हो गया है, तो उसका जो स्थिति का वर्णन किया जाता है ना, जैसे मान लो कि तुम्हारे कॉलोनी में 26 जनवरी या 15 अगस्त का कोई प्रोग्राम हुआ है, ठीक है, तो उसकी उस स्थिति के बारे में बताओ कि भाई ये चीफ गेस्ट थे, ये आए थे, रंगारंग कार्यक्रम हुआ, फलाने फलाने लोगों ने वहां पर अपनी विशेष प्रस्तुति दी है। तो क्या है? ये किसी स्थिति का वर्णन हो जाएगा ना। उसी प्रकार से किसी दशा का, यानी किसी सिचुएशन का, ठीक है, इस प्रकार से, यानी सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि भाई जैसे
कोई भी कहानी हो उसमें एक पार्ट का जब हम वर्णन करते हैं तो क्या होगी, वह किसी दशा के वर्णन के रूप में हम उसको लोग बोलेंगे कि आप वहां पर किसी दशा का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है, किसी स्थिति के बारे में। जैसे कोई कार्यक्रम है, कोई फंक्शन है, जैसे यहाँ पर बोला किसी कार्य प्रणाली या किसी प्रक्रिया का जब वर्णन करते हैं तो यह भी वर्णात्मक लेखन है। यानी जब हम किसी कार्य प्रणाली या किसी प्रक्रिया का वर्णन करते हैं तो यह भी क्या होता है, वर्णात्मक लेखन ही होता है। किसी यंत्र को कैसे स्थापित किया जाता, जैसे जैसे तुमको खाना बनाना है तो तुम जो कुकिंग वाली जो डायरी खरीद के लाए हो जिसमें लिखा है कि खाना कैसे बनाना है, तो भाई कोई प्रक्रिया कोई प्रोसेस है ना। जैसे मान लो कि मुझे, ठीक है, मुझे दाल बनानी नहीं आती है, ठीक है, तो भैया दाल बनाने के लिए मैं एक रेसिपी वाली किताब खरीद के लाया हूँ, तो किताब में पूरा लिखा हुआ है कितना पानी लेना है, कितना दाल लेना है, कितना नमक डालना है, कितना उसमें क्या डालना है, ये सारा क्या होगा, यानी आप किसी प्रक्रिया यानी प्रोसेस को बता रहे हो, भैया खाना कैसे बनेगा, रोटी कैसे बेलनी है, रोटी कैसे सेकनी है, इस प्रोसेस को भी हो सकता है ना, ठीक है, किसी भी चीज का। जैसे हम संवाद को देखिएगा, जैसे यहाँ पर बता रखा ना, इस प्रकार से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान लिया आम को, आपको आम का अचार बनाना है, ठीक है, तो आम के अचार बनाने का पूरा प्रोसेस कैसे लिखा जाएगा, भैया आम को लेना है, कच्चा आम लेना है, उसको छीलना है, फिर उसको काटना है, उसमें कितना तेल डालना है, कितना नमक पड़ेगा, ये सारी कितने दिन उसको धूप में रखना, कैसे क्या करना है, ये क्या प्रक्रिया हो जाएगी ना, उसका पूरा प्रोसेस हम जब लिखते हैं उसको बोलते हैं। ये भी क्या होगा, यह भी वर्णात्मक लेखन की कैटेगरी में ही आता है। कहने का मतलब है कि जब हम लोग किसी व्यक्ति के बारे में एक्सप्लेन करते हैं या किसी स्थान के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी यानी किसी सिचुएशन यानी स्थिति के बारे में, किसी प्रक्रिया प्रोसेस के बारे में वर्णन करते हैं तो ये सभी चीजें क्या होती हैं, वर्णात्मक लेखन ही कहा जाता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णात्मक लेखन कहा जाता है। और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ सकता है। जैसे कई बार आप लोग ना पासपोर्ट बनवा जाते हो, जैसे मान लो कि तुमको आधार कार्ड बनवाना है या कुछ भी बनवाना है, जैसे मान लो तुमको इग्नू का एग्जाम फॉर्म भरना है, ठीक है, तो भाई मेरे मान लिया आपको इग्नू का एग्जाम फॉर्म भरना है, तो तुम लोग तुमने यूट्यूब में सर्च किया जा करके कि एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है, तुम्हारे सामने वीडियो आ गई तो बताएगी कि इग्नू की वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर ऐसे जाना है, ऐसे खोलना है, ऐसे ऐसे आपको चीजें करना है। वो क्या है, वो वर्णन ही तो कर रहा है, क्या कर रहा है, वो किसी प्रक्रिया के बारे में यानी किसी प्रक्रिया यानी प्रोसेस के बारे में बता रहा है और डिटेल में बता रहा है। ये क्या है, यही तो वर्णात्मक लेखन है, ठीक है, ये क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णात्मक लेखन कहते हैं या कहा जाता है। तो चैप्टर नंबर 9 वर्णात्मक लेखन है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो 20 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या आने की संभावना जरूर हो सकती है, ठीक है। चलिएगा अगला हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, हम लोग अगले चैप्टर को देख लेते हैं। अगला चैप्टर हमारा जो रहेगा चैप्टर नंबर 10 रहेगा, उसको भी देख लेते हैं। हमारा चैप्टर रहेगा, देखिएगा चैप्टर नंबर 10 क्या है, आख्यान परक लेखन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आख्यान परक लेखन में, ठीक है, आख्यान परक लेखन आखिर है क्या। जैसे आख्यान परक लेखन में सरलता, प्रत्यक्ष वार्तालाप शैली, तथ्य परकता, वैयक्तिकता और शैली, ये चीजें होती हैं। और आख्यान परक लेखन का यानी जब लेखन करते थे किस प्रकार से किया जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आख्यान परक लेखन भी आपके एग्जाम में पूछा जरूर जा सकता है, इसको पढ़ करके भी भाई मेरे जरूर जाना, ये 20-20 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। देखिएगा आख्यान परक लेखन, अपनी वेदना को, अनुभूति को, भाव को व्यक्त करने के लिए मनुष्य ने सबसे पहले भाषा और लिपि का आविष्कार किया है। कुछ प्रवृत्ति आने के बाद अभिव्यक्ति के नए नए तरीके ढूंढे गए। आख्यान भी मनुष्य के लेखन कला का एक माध्यम है। व्यक्तिक लेखन, आख्यान परक लेखन मनुष्य की संवेदना को व्यक्त करता है, ठीक है। व्यक्तिक लेखन जहाँ व्यक्ति परकता पर विशेष बल देता है, वही आख्यान परक लेखन साथ साथ वस्तु निष्ठा में भी झलक। देखो आख्यान परक लेखन मतलब समझते हो, देखो देखो हमारे मन के भाव क्या है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे मन में किसी चीज के बारे में कोई भाव है, या मेरे मन में कोई संवेदना है, या मेरे मन में कोई विचार है, या मेरे मन में कोई अंदर अनुभूति है, जैसे किसी को लेकर के प्रेम है, या किसी को लेकर के संवेदना है, यानी उसके प्रति एक प्रकार से संवेदना है यानी उसके प्रति, ठीक है, या किसी के प्रति अनुभूति है, भाव है, यानी अपने भाव, चाहे वो किसी प्रेम का भाव है या ममता का भाव है, वात्सल्य जिसको हम लोग बोलते हैं उसका भाव है, या द्वेष का भी भाव हो सकता है, दुश्मनी का भाव भी हो सकता है भाई मेरे, ठीक है। तो भाव है, इन सभी को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये ठीक है होता है, देखो व्यक्तिक लेखन मतलब समझते हो, एक होता भाई मेरे व्यक्तिक लेखन,
व्यक्तिक लेखन का मतलब होता है कि जिसमें लेखक अपने बारे में बात करता है उसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिक लेखन। जैसे मान लो कि तुम हो, ठीक है, तुम्हारा नाम कुछ भी है, ठीक है, जैसे मान लो कि एक बच्चा है उसका कोई नाम है, ठीक है, तो अपने बारे में अगर वो कुछ लिख रहा है, जैसे अपने बारे में कोई स्टोरी, अपने बारे में कोई जीवनी लिख रहा है, अपने बारे में ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है, कहीं घूमने का उसको लिख रहा है, इसको हम लोग लोग बोलते हैं व्यक्तिक लेखन। यानी ऐसा लेखन जिसमें लेखक अपने बारे में या अपने रिलेटेड किसी चीज के बारे में लिखता है, बताता है, उसको लोग बोलते हैं हम लोग व्यक्तिक लेखन। ठीक है, वस्तुनिष्ठता क्या होती है, देखो एक बात बताऊं, जैसे मान लो तुम अपने बारे में लिख रहे हो, जैसे मैं अपनी जीवनी लिख रहा हूँ, ठीक है, तो अपने बारे में लिख रहा हूँ, भाई मेरे जीवन में जो जो अच्छी अच्छी घटनाएं होंगी वो तो मैं लिख दूंगा, लेकिन जो खराब खराब चीजें मेरी जीवन में हुई है, जहां पर मैंने गलतियां की हैं या जहां पर मैंने किसी के साथ गलत किया है, वो शायद मैं नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? अरे क्योंकि मैं तो अच्छा अच्छा बताऊंगा ना, ये तो सच्चाई है भाई ना, अपने बारे में कोई बुरा थोड़ी बताएगा कि हम ही डाकू हैं, ठीक है, जो लूट रहे हैं देश को, ठीक है, ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं ना, चोर थोड़ी बोलता कि चोरी हम ही कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत लेखन लिखता है, तो अगर वो व्यक्ति निष्पक्ष होकर के यानी ईमानदारी के साथ जब अपनी बातों को रखता है, उसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। जैसे मान लीजिए कि मैं अपने बारे में कोई चीज लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने जो अच्छा किया वो तो बताऊंगा, लेकिन मेरे जीवन में जो बुरे चीजें हैं उनको भी अगर, या मैंने किसी के साथ बुरा किया है उसको भी अगर मैं लिख रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। आख्यान परक लेखन में भाव और विचारों को लेखक चित्रों के माध्यम से, आख्यान परक लेखन वह होता है जिसमें लेखक अपने बारे में लिखता है और ईमानदारी के साथ लिखता है, और अपने बारे में जब लिखता है तो उसमें कुछ चित्रों के बारे में, फोटो के साथ, यानी चित्रों के साथ लिखता है, बीच बीच में अपनी बात कहने लगता है। जैसे मान लीजिए मैं कोई कहानी लिख रहा हूँ, तो बीच बीच में अपनी भी कहानी सुनाने लगता हूँ, ठीक है, इसको लिखता है। जबकि व्यक्तिगत लेखन में लेखक की अनुभूति और विचार के बीच चरित्रों की कोई जगह नहीं होती, इसमें तो लेखक अपनी स्मृति के आधार पर ही घटनाओं का वर्णन करता है। देखो खास तौर से जब कोई व्यक्ति अपने बारे में लिखता है तो पूरी स्टोरी जो रहती है वो खुद को सेंटर में रखकर, केंद्र में रखकर लिखता है, बाकी किसी चीज को देखता नहीं। देखो आख्यान परक लेखन में चरित्रों के विकास और स्थितियों का वर्णन करते समय लेखक सच्चाई दिखाता। देखो आख्यान परक लेखन वह होता है कि जिसमें लेखक निष्पक्ष होकर के, ईमानदार होकर के अपने बारे में भी अगर लिख रहा है तो अपने उसके जीवन की जो अच्छी घटनाएं हैं उनको लिखे, साथ ही साथ उसके जीवन के जो बुरे क्षण हैं या उसके जीवन में ऐसा कुछ बुरा हुआ है तो उसको भी अगर लिख रहा है तो उसको आख्यान परक लेखन कहा जा सकता है। या सच्चाई उस घटना विशेष या व्यक्ति विशेष का भी हो सकता है जो पूरे समाज की हो, या आख्यान में व्यक्ति और घटनाओं के सामाजिक सत्य उद्घाटित होते हैं, जबकि आख्यान परक लेखन ऐसा होना जरूरी नहीं है। इसमें लेखक ज्यादातर अपने बारे में ही बात करता है, अर्थात उसके जीवन की घटनाएं घट चुकी हैं, जिसे व्यक्ति बहुत ही घनिष्ठ। आख्यान परक लेखन वह होता है जिसमें लेखक अपने बारे में लिखता है और ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में ही बताता है, लेकिन इसमें खास तौर से हम लोग जो लिखने वाला यानी जो हमारा लेखक है उससे हम लोग यह अपेक्षा करते हैं कि वह सभी चीजों को सच सच लिखेगा, सच्चाई के साथ लिखेगा। ये नहीं है अपनी अपनी बड़ाई करता चला जा रहा, अपने अपने बारे में गुणगान कर रहा है, लेकिन वो कितना दुष्ट प्रकार का व्यक्ति है वो कुछ भी नहीं बता रहा है। यानी अपनी अच्छाइयों को तो बता देता है लेकिन अपनी बुराइयों को बता नहीं रहा है, छिपा ले रहा है। तो वो आख्यान परक लेखन, यानी जब लेखक अपने बारे में बात करे और अपने बातों को बताए, साथ ही वह ईमानदारी के साथ अपनी बुरी बातें और अच्छी बातें दोनों बता रहा है, तो उसको हम आख्यान परक लेखन कहा जा सकता है। देखो आख्यान परक लेखन अगर कभी भी लिखा जाएगा तो उसमें सरलता होनी चाहिए। क्या भैया सरल हो? भाषा आपकी सरल होनी चाहिए ताकि लोग उसको पढ़ें, समझें कि क्या तुम बोल रहे हो। ऐसा नहीं तुम ऐसा बोल रहे हो कि आधी आधी समझ में आता, आधी सर के ऊपर से निकल जा रहा। यानी भाषा की सरलता होनी चाहिए, ठीक है। यानी खास तौर से जब भी आख्यान परक लेखन ये पत्र पत्रिकाओं में खूब लिखे जाते हैं, ठीक है, जो अखबार न्यूज़पेपर। एक बात बताओ, अखबार वाले अगर कठिन भाषा का प्रयोग करेंगे तो क्या आम आदमी पढ़ पाएगा? पढ़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। यानी हमको आख्यान परक लेखन करते समय सरलता यानी सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, आम भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यानी देसी और ठेठ लैंग्वेज में बात करनी चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है कि भाषा के सरल प्रयोग से पाठक यानी पढ़ने वाले को कोई, जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई क्लास पढ़ा रहा हूँ तो
भाई मेरे, मैं आपको अगर आसान भाषा में पढ़ाऊंगा तब तुम समझ पाओगे, नहीं तो तुमको समझ में ही नहीं आएगा। आधा समझोगे आधा ऐसे हो जाएगा, ऊपर से सब निकल जाएगा ना। तो वही है कि उसी प्रकार से जो आख्यान परख लेखन होता है भाई मेरे, उसको लिखते समय सरल भाषा का प्रयोग करो, जिससे जो तुम्हारा पढ़ने वाला व्यक्ति है, तुम अपने बारे में लिख रहे हो, तुम्हारे बारे में पूरी दुनिया पढ़ेगी, लेकिन तुम अपने बारे में लिख रहे हो, ऐसा लिख रहे हो कि या तो खुद पढ़ो या तो फिर खुदा ही पढ़े। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि सरल भाषा का प्रयोग किया जाए। एक ऐसी भाषा की कल्पना का सहारा नहीं लिया जा सकता जो पाठक को ऐसे आख्यान परख लेखन में दिमाग, देखो कहने का मतलब है कि अगर टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चों को दिमाग ना लगाना पड़े बातों को समझने के लिए, और अगर लेखक लिख रहा है तो जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको अपना दिमाग ना लगाना पड़े, उनको बात सीधे और सरल शब्दों में कही जाएगी। तो यानी सरलता को रखना चाहिए, अगर आख्यान परक लेखन लिखें तो उसमें सरलता के गुण जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सरल शब्दों का प्रयोग करें, या हमको कह सकते हो कि हम लोगों को वहां पर सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कैसी भाषा का भाई मेरे? सरल भाषा का प्रयोग करें। ठीक है, सरलता। दूसरा क्या? प्रत्यक्ष वार्तालाप शैली। प्रत्यक्ष वार्तालाप मतलब समझते हो, आमने सामने रख के बात ही करना। जैसे मैं तुम सब लोगों से बात करता हूँ ना, कि भाई तुम भी उधर से कुछ बोलते हो, इधर से हम कुछ बोलते हैं, तुमने सवाल पूछा हमने जवाब दिया। ठीक है, खास तौर से गूगल मीट में ऐसे चलता है ना। ठीक है, प्रत्यक्ष वार्तालाप यानी जब भी हम लोग आख्यान परक लिखन लिखें तो उसमें वार्तालाप हो। किसके बीच में हो भैया? लेखक और पाठक के बीच। इसको बोला लेखक मतलब लिखने वाला, पाठक यानी पढ़ने वाला। ठीक है जी, ठीक है। इस शैली के अंतर्गत लेखक की कोशिश होती है कि वह पाठक से अपने सीधे बातचीत करे। ठीक है, यानी लेखक का इतना ज्यादा भाई तर्कशील होता है कि अपने पाठक से भी वो बातचीत कर लेता है, दिखाई दे। इस क्रम में लेखक पाठक के सामने अपना दृष्टिकोण प्रकट करने का प्रयत्न करता है। आख्यान परक लेखन में शैली में आमतौर पर प्रयोग करने में हम लोगों को देखने मिलता है। यानी आख्यान परक लेखन जब भी करें तो उसको इस प्रकार से लिखा जाए, लेखक ऐसे लिखे ताकि जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको लगे कि यह बात मुझे ही संबोधित कर रहा है, या मेरे को ही वो बात बोल रहे हैं या कह रहे हैं, इस प्रकार से उसको लगना चाहिए। ठीक है, यानी जब भी आख्यान परक लेखन लिखा जाए तो प्रत्यक्ष वार्तालाप यानी आमने सामने बैठ करके जैसे हम लोग बातें करते हैं, यानी ऐसा लगे कि लेखक हमारे सामने बैठ करके ही अपनी कहानी को कह रहा है। ठीक है, और मुझे ही वो कहानी सुना रहा है, इस प्रकार से हम लोगों को यानी क्या करना चाहिए, आख्यान परक लेखन को लिखना चाहिए। ठीक है, अगला क्या भैया? तथ्य परकता। आख्यान परक लेखन में तथ्य परकता महत्वपूर्ण है। स्थान समय और गद्य वर्णन आख्यान परक में ना केवल विकसित किया जाता है बल्कि एक हद तक विकसित है। देखो कह रहे हैं भैया आख्यान परक जब लेखन लिखें तो उसमें लोगों का विश्वास बना रहे। जैसे मान लो कि मैं कोई लेखक हूँ और मैं अपने बारे में लिख रहा हूँ और लोग मेरे को पहले से मारे कि झूठा आदमी है, दिन भर झूठ बोलता है। ठीक है, तो भाई मैं जो कुछ चीजें लिखूँ सही लिखूँ, ऐसा नहीं लोग बोले कि फलाने ने किताब छपवा रखी है तो पहले मार्केट में अफवाह फैल गई है कि वो तो झूठ बोलते हैं अपने बारे में। नहीं, उसमें यानी जो आख्यान परक लेखन करते समय हम लोगों को जो भी चीजें दे वो तथ्यों के साथ, यानी कहने का मेरा मतलब है उसमें हम चीजों को बताएं, उसमें डेट बताएं, तारीख बताएं, दिन बताएं, समय बताएं, यानी उसमें हम खास तौर से समय के बारे में, तिथि के बारे में, डेट के बारे में इस प्रकार से लिखेंगे तो लोगों का उसमें विश्वास बढ़ेगा। यानी जैसे मैंने अपने बारे में लिख रखा है तो मैं उसमें डेट भी बता रहा हूँ, समय भी बता रहा हूँ, इससे लोगों का क्या होगा कि जो मैं चीजें बता रहा हूँ उसमें विश्वास बढ़ेगा और लोग उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे या देख पाएंगे, इसको वहां पर कहा जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं? था वाला जो मैंने पॉइंट बताया, देखो इसमें सिंपल सा नॉर्मल सा ये रहता है कि जब जैसे मान लीजिए कि मैं एक लेखक हूँ और मैं अपने बारे में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अपने बारे में लिखते समय अगर मैं अपने बारे में किसी चीज को बता रहा हूँ, मैं कहीं घूमने गया था या मेरे साथ कोई घटना घटी थी, तो यहाँ पर मैं पाका था फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तथ्य बता रहा हूँ, फैक्चुअल मैं बातें कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि जो मैं अपने बारे में बताऊंगा उससे जो हमारा पाठक है, जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, उसमें एक प्रकार से विश्वास मेरे प्रति जगेगा कि वो कि भाई हाँ ये जो लेखक है वह बातें सही कह रहा है। इससे विश्वसनीयता आती है, क्या आती है? विश्वास बढ़ेगा और लोग जो होंगे मेरी रचनाओं को, मेरे जो मैंने लिख रखा है उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, उसका प्रचार प्रसार ज्यादा होगा, कि अगर उनको लगेगा कि जो मैं बातें कर रहा हूँ बिल्कुल सही। व्यक्तिकता, देखो व्यक्तिकता आख्यान परक लेखन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस शैली के प्रयोग से लेखक अपने वक्ता या वक्त यानी लेखक वक्ता या व्यक्तिगत चरित्र उभर कर के सामने आता है। इसमें
इतने भारी गंभीर शब्दों का प्रयोग होता है जिससे हास लगता है, बिखरने लगता है। यह एक व्यक्तिता का सवाल है कि प्रत्येक लेखक बिल्कुल निजी शैली होती है। उदाहरण के लिए चतुर, देखो व्यक्तिता का मतलब है नहीं जब लेखक अपने बारे में व्यक्तिगत रूप से बात करता है, व्यक्तिता है नहीं, व्यक्तिगत चीजें यानी पर्सनल चीजें जब वो बताने लगता है, ठीक है। और बात करने के लिए वो जैसे घरों में बात करता है, ठीक है, या जैसे अपने घरों में बात करता है वैसे बात करता है और बहुत निजी बातें बताता है। यानी जब कोई लेखक अपने बारे में लिखे तो आख्यान परक लेखन करते समय उसको व्यक्तिता का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अपना निजी बातें बताए, ठीक है, और जिससे लोगों यानी जब लेखक अपने बारे में लिख रहा तो ऐसा लिखे जिससे लोगों को हंसने का भी मौका मिले। ये नहीं है कि लोग पढ़ते नीरस मत लिखो, भैया कहने का मतलब ये है ना, जैसे मान लीजिए तुम पढ़ा रहे हो या जैसे मान लो लेखक लिख रहा है तो लिखे तो जब पढ़ने कोई पढ़ेगा तो उनको बोरिंग ना लगे, ठीक है, तो उसमें हास्य भी रखने, हास्य भी बिखरने लगे यानी हंसने का भी उनको मौका मिले या ऐसी कुछ बातें लिखे। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा बोरिंग टाइप का लिख रहा है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल ना लिखें। लेखक व्यक्तित्व का सिंपल सा मतलब है कि लेखक अपने बारे में निजी बातें यानी उसकी जो पर्सनल बातें हैं उसको भी वो उसमें लिख रहा है या इंगित कर रहा है या बता रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तित्व, ठीक है। यानी आख्यान परक लेखन करते समय लेखक का गुण क्या होती है भाई, व्यक्तित्व होती है, व्यक्तिगत चीजें भी अपने बारे में लिखता है, यानी हास्य व्यंग शैली का प्रयोग करे, यानी वो हास्य व्यंग यानी लेखक जब अपने बारे में लिखे तो कुछ हंसी मजाक हटी ठिठोली वाली बातें भी लिख दे ताकि लेखक ने जो लिख रखा है उसमें बोरियत फील ना हो लोगों को, क्या हो, बोरियत फील ना हो, ठीक है, ताकि उसे लोग कनेक्टेड रहें, ठीक है, बोरिंग ना हो। अगला शैली, देखो आख्यान परक लेखन करते समय हम लोगों को शैली का मतलब यानी ढंग या तरीका जिसको हम बोलते हैं, जैसे मैं अलग तरीके से बात करता हूँ, शायद कोई व्यक्ति अलग तरीके से बात करता होगा, तुम थोड़ा अलग तरीके से बात करती होगी, या मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, शायद कोई अलग तरीके से। शैली का मतलब तरीका, ढंग, ठीक है, ठीक है। शैली का लेखन क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। वैसे तो शैली को परिभाषित करना कठिन है, फिर भी विद्वानों ने इसके विषय पर विचार प्रकट किए, ठीक है, समुचित स्थान पर सही शब्दों का प्रयोग ही शैली ही परिभाषित करती है। देखो बफन कहता है कि मनुष्य को अपनी शैली है, मनुष्य की अपनी अपनी शैली है, हर व्यक्ति की अपनी क्या, कोई लोग कहते हैं कि शैली क्या है, परिधान या पहनावा है। शैली का मतलब समझते हो कि जैसे तुम लोगों ने देखा कोई कोई आदमी ना बड़े ही कठोर वचन बोलते हैं, जैसे उनसे किसी कोई भी मिलेगा, जैसे वो लोग बहुत व्यंग करते हैं ना, जैसे मान लो तुम जा रहे हो, तुमको मिलेंगे, कहाँ जा रहे हो, दिखते नहीं हो, व्यंग करेगा। यानी कोई कोई गाँव आम देखा होगा ना, इसे आदमी होता है, कोई कोई आदमी बड़ा जलनखोर टाइप का होता है ना, कि कोई भी किसी को सुन लेगा तो उसके छाती पे सांप लौट जाएगा ना, इसको बोलते हैं शैली यानी ढंग तरीका। जैसे मान लो तुम लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे बड़े भावुक होकर के बातें करते हैं ना, जैसे रो देंगे, नहीं भाव, अरे बेटा तुम तो मिले नहीं थे, कहाँ घूम रहे थे, ठीक है, अरे तुम्हारी बुआ कैसी अच्छी है, ठीक है कि नहीं, नहीं बड़े भावुक होकर के बात करेंगे ना, ऐसा होता है। कुछ लोग बड़े प्यार से बात करते हैं ना, देखा होगा ना कि कुछ लोग ज्यादा ही जैसे मलाई मार के बोल रहे हैं, यानी जैसे क्या बोलते हैं चाशनी, रसगुल्ले में चाशनी, यानी ज्यादा ही मीठा बन के बात कर रहा है, इसका मतलब ज्यादा ही खतरनाक व्यक्ति होगा फिर वो तो, ठीक है। यानी देखो बहुत लोग बड़े घमंड के साथ बोलते हैं ना, ये होता है शैली। लेखक कई बार अपनी शैली का प्रयोग करते, जैसे तुम कुछ लोग देखो हास्य व्यंग शैली का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग देखो खास तौर से जो लेखिकाएं होती हैं वो श्रृंगार का बड़ा प्रयोग करती हैं, कि भाई श्रृंगार मतलब होता वही ना, कि मान लो किसी चीज का वर्णन कर रही हैं, कि जैसे कुछ कवियों को तुमने देखा होगा कि वो लोग वर्णन करते हैं कि जैसे मान लो किसी लड़की का वर्णन करना है तो उसकी आंखें वो झील जैसी हैं, उसके बाल रेशम जैसे हैं, ऐसे ऐसे वर्णन करेगा, ठीक है, तो ये क्या होती है, शैली होती है। जैसे किसी की व्यंग शैली है, किसी की हास्य शैली है, ठीक है, किसी की वात्सल्य, वात्सल्य मतलब होता है माँ की जो ममता, उसी को हम लोग बोलते हैं वात्सल्य, ठीक है, ठीक है, उस शैली। हर व्यक्ति का क्या होती है, अलग अलग शैली होती है, अलग अलग ढंग होता है बात करने का या बात कहने का, सबका व्यक्ति का, हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव होता है, हर व्यक्ति का अलग प्रकार से। उसी प्रकार से कह सकते हो कि अगर आप लोग आख्यान परक लेखन कर रहे हैं तो हमें अपनी शैली को भी खास तौर से ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, और शैली के अकॉर्डिंग ही हम चीजों को क्या करते हैं, लिखते हैं या लिखा जाता है। अगला देखिएगा, आख्यान परक लेखन करते समय लेखन कैसे किया जाए। देखो अगर आपको आख्यान परक लेखन करना है तो सबसे पहले आप विचार करोगे, हाँ भैया कि मुझे अपने बारे में कुछ लिखना है या मुझे अपने बारे में कुछ कहना है, सबसे पहले तो यही करोगे ना,
कि भाई आख्यान परक जो लेखन करना है उसका लिखोगे कैसे, तो सबसे पहले विचार करोगे, सोचोगे कि हाँ भाई मुझे अपने बारे में किताब लिखनी है, या मेरे साथ ऐसी कोई घटना घट गई थी उस घटना के बारे में मुझे लोगों को बताना है, तो मैं चलो लिख लेता हूँ, चलो लिख लेता हूँ, ऐसे क्या करोगे आप सोचोगे। और फिर जब अपने बारे में लिखोगे तो स्मृति के आधार पर लिखोगे। किसके आधार पर भैया? स्मृति, यानी याद करके। जैसे मान लो कि मेरे से 15 साल पहले मेरे साथ कोई घटना घट गई थी, तो 15 साल पुरानी बात को तो मैं याद करके ही लिखूंगा ना इसमें, यानी रिकॉल करके, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, याद करके लिखोगे ना। अरे मान लो कि तुम 10 दिन पहले क्या खाना खाए थे, आज थोड़ी याद है, ठीक है, तो वही कहने का मतलब 10 दिन पहले या मान लो कि तुम्हारे साथ 2-5 साल पहले कोई घटना घटी थी, ठीक है, तो उसको याद करके अगर लिख रहे, नहीं जो विचार आता जो लिखेंगे स्मृति के आधार पर। फिर मित्र और प्रिय स्थान के आधार पर भी लोग लिखते हैं, जैसे तुम्हारा कोई मित्र है, फ्रेंड है, उसके आधार पर भी, या कोई स्थान आपको बहुत अच्छा उसके बारे में आप व्यक्तिगत वर्णन कर सकते हैं, जो उसके बारे में बताओगे, या कोई घटना तुम्हारे जीवन में घट गई है, जैसे कोई शादी वादी हो गई है, या घर में कोई बच्चा वच्चा पैदा हो, पहली बार कोई फादर वादर बन गया है, ठीक है, या किसी के घर में बेटी का जन्म हुआ है, तो ये कोई घटना महत्वपूर्ण घटना हो गई है, या उसके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आया, कोई एग्जाम उग्जाम टॉप ऑफ कर गया है, ठीक है, नौकरी चाकरी लग गई है, ठीक है, कोई जो घटना है। या कई बार हम कल्पनाओं के आधार पर लिखते हैं भाई, जैसे कोई चीज सोच रहे हैं कल्पनाओं के आधार पर, यानी हम सिर्फ उसको एक काल्पनिक आधार पर लिख रहे हैं, ठीक है, वो रियल में नहीं है, वो सिर्फ एक सोच के लिख रहा है, तो इस आधार पे हम लोग क्या करते हैं, सोच करके लिखा जाता है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप बोलोगे तो विषय का चुनाव करते हैं, भाई अगर आपको आख्यान परक लेखन करना तो टॉपिक क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट क्या होगा, किस पे लिखना है, क्या टॉपिक लेंगे, तो वो टॉपिक शायद आपका कोई निजी अनुभव हो सकता है, या आपका कोई विचार हो सकता है, टॉपिक कैसे डिसाइड करेंगे। फिर विषय आप सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने एक टॉपिक डिसाइड कर लिया है भाई बेरोजगारी, मेरे समय बेरोजगारी बहुत फैली हुई है, तो मैंने टॉपिक डिसाइड कर लिया बेरोजगारी, फिर उस बेरोजगारी के बारे में मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी ना, शोध करना पड़ेगा भाई, उसके बारे में आंकड़े वाकड़े लाने पड़ेंगे, ठीक है, उसके बारे में, यानी विषय का विकास वही होता है, विषय के बारे उसके बारे में शोध करो, रिसर्च करो, ढूंढो, हेरो, खोजो, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी ना, तभी तो मैं लिख पाऊंगा, विषय का विकास करेगा। जैसे मैंने बोला कि मैंने टॉपिक लिया बेरोजगारी, ठीक है, तो भाई मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे बेरोजगारी के ऊपर लिखना है, ठीक है, और मैं खुद भी बेरोजगार हूँ, ठीक है, तो मैं अपने बारे में भी हो जाएगा और मेरा बेरोजगारी टॉपिक है, ठीक है, तो विषय का विकास करना पड़ेगा ना, तो भाई उसके बारे में कैसे लिखना, क्या करना, क्या नहीं करना है, फिर उसके बारे में सामग्री भी तो खोजनी पड़ेगी, भाई बेरोजगारी कितनी घटी है, कितनी बड़ी है, कौन से राज्य में कितनी है, नौकरियां कैसे, उसके बारे में खोजना भी पड़ेगा। जैसे आपने सोच लिया कि मुझे लिखना है, आख्यान परक के लेखन करना है, उसके बारे में रिसर्च होगी, शोध होगा, ठीक है, आपसे पहले किसी ने लिख रखा उसका भी उठा करके लिया होगे कि भैया फलाने का भी मिला लेते हैं, उसका भी जोड़ लेते हैं, तो इस आधार पर अगर विषय की सामग्री का खोज करना पड़ेगा ना, क्योंकि तुमको आख्यान परक लेखन करना है, इस प्रकार से हम लोग करेंगे, ठीक है, और बाद में इस प्रकार से किया जाएगा। यानी आख्यान परक लेखन करते समय सबसे पहले हम लोग सोचेंगे या वो हमारे जीवन की घटना है, या कोई हमारा निजी अनुभव है, ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं कि वो हमारे साथ कोई, हम स्मृति के आधार पर याद करके लिखेंगे, रिकॉल करके लिखेंगे, हम अपने दोस्त के बारे में, मृत के बारे में, या हमारे जीवन में कोई घटना घटी है, या कोई अच्छी चीज आई है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि शादी वादी किसी का हो गया, भाई हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है, या उसके जीवन में कुछ ऐसा है, कोई नौकरी वोकरी लग गई है, या उसका कुछ और भी हो गया है, ठीक है, या कोई मान लो कि घर में कोई बच्चा जन्म लिया है, ठीक है, या इस प्रकार से भी हो सकता है, ठीक है, इस आधार पर हम क्या करेंगे, आख्यान परक लेखन लिखना शुरू करेंगे। फिर हम विषय का चुनाव करेंगे, क्या विषय का चुनाव, यानी सब्जेक्ट क्या लेंगे, तो टॉपिक भी व्यक्ति अपने जिसके ऐसा ही टॉपिक मोस्टली लेखक लेता है, जिसके बारे में जानता होगा, या जिसके बारे में सुना होगा, या उसके खुद के निजी अनुभव बहुत ज्यादा हैं, या उसके जीवन से जुड़ी कोई वो चीज है, तो उसको लिखेगा, उसके बारे में फिर विषय का विकास करेगा, उसके बारे में और खोजबीन करेगा, फिर उसके लिए बहुत ज्यादा सामग्री का खोजेगा, उसके बारे में जाएगा, लिखी हुई चीजें क्या मिलेंगी, या लोगों से बातचीत करेगा, या उस घटना को और अच्छी तरह से लेखक लिख सके, इसलिए उस सामग्री का खोज करेगा, और फिर एक आख्यान परक लेखन किया जाएगा। आख्यान परक लेखन में मूलतः लेखक अपने बारे में ही लिखता है, लेकिन अपने बारे में साथ साथ वह निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ ही लिखता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आख्यान परक लेखन। यानी वह आख्यान मतलब जैसे तुमने लोग देते हैं भाषण वाषण देने जाते हैं, वो आख्यान टाइप का ही होता है, जैसे सेमिनार वेमिनार लेने जाते हैं, ठीक है, तो आख्यान परक लेखन में जिसमें लेखक अपने बारे में विवेचना करता है, और लेखक अपनी व्यक्तिगत घटनाओं के बारे में, अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, यानी वो निष्पक्ष होकर के, ईमानदार होकर के, यानी कह सकते हैं निष्पक्षता के साथ, वस्तुनिष्ठता जिसको यहाँ
पर एक शब्द आता है, वो निष्पक्ष होकर के जब वो अपनी बातें कहता है या अपनी बातें बोलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे, आख्यान परक लेखन कहा जाता है। इसी के साथ हमारा जो 10वां चैप्टर वो भी समाप्त हो गया है, ठीक है। अब अगला हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11वां, और वो बिल्कुल क्या रहेगा आखिरी चैप्टर रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला भी था कि आज इस क्लास में हम लोग 3 चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो अगला चैप्टर भी देख लेते हैं, जो भी वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके एग्जाम में आ सकता है। रहेगा क्या रहेगा तार्किक लेखन, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 तार्किक लेखन देखेगा, तो इसमें देखेगा तार्किक लेखन का तात्पर्य क्या है और तार्किक लेखन की प्रक्रिया क्या है। देखो तार्किक लेखन मतलब समझते हो आखिर क्या है भाई, तर्क के आधार पर जब कोई चीज लिखी जाती है, जैसे अगर बताऊं भाई विज्ञान जो लिखा गया साइंस अगर जो है उसमें तर्क वितर्क है कि नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि तर्क वितर्क अगर नहीं रहेगा तो दादी दादी नानी की कहानियां बन के रह जाएगा, ठीक है, किससे और कहानियां बन के रह जाएंगी। तार्किक लेखन का मतलब ये होता है कि जब लेखक किसी चीज को तर्क के आधार पर, एविडेंस के आधार पर, सबूत के आधार पर जब लिखता है या किसी चीज को जब वो प्रमाणित करने का प्रयास करता है, ऐसे लेखक को, ऐसे लेखन को हम लोग क्या बोलते हैं तार्किक लेखन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज लिख रहे हैं तो उसमें फैक्ट बता रहे हो, आप उसमें चीजों को तर्क दे रहे हो कि चीजें नहीं थी, ये चीजें ऐसी है और ये घटना ऐसी ही घटी थी, और आपने उस पर 4 अपने फैक्ट बता दिए, तो क्या हो जाएगा उस प्रकार के लेखन को हम लोग क्या बोलते हैं तार्किक लेखन कहा जाता है। आज के समय में कह सकते हैं कि वही लेखन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बने हुए हैं या माने जाते हैं जिनमें तर्क के आधार पर लिखा गया है। जैसे अगर आप देखो रामायण महाभारत में कोई तर्क नहीं है, ठीक है, या अगर आप देखोगे जो दादी नानी की कहानियां हैं या जो चमत्कारी कहानियां हैं उनमें कोई तर्क नहीं है, लेकिन इतिहास में अगर आप आएंगे तो वहां पर तर्क है, विज्ञान तर्क के आधार पर चलता है, साइंस में फर्जी बातें नहीं है। तो वही कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति तर्कों के आधार पर, ठीक है, यानी एविडेंस के आधार पर, सबूत के आधार पर, जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि भाई मेरे कि मैंने इस काम को किया था और ये चीज ऐसी है, तो चीज ऐसी है उसके लिए मैं 4 फैक्ट यानी 4 बातें भी बता रहा हूँ, तो ये क्या होगा इस प्रकार के लेखन को हम लोग क्या बोलेंगे तार्किक लेखन बोलेंगे। जैसे मान लो कि मैंने कोई बात बोली है कि हमारे देश में जो है भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ कि मेरे देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो वहां पर मैं 4 एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ कि मैं कोर्ट में गया था, वहां से मुझे कोर्ट में वकील ने 15,000 रुपए मेरे से घूस मांग लिए, फिर मैं दीवानी में गया था यानी कचहरी में गया था यानी जिस तहसील में गया था वहां से मेरे से 20,000 रिश्वत मांग ली गई, ठीक है, उसके बाद मैं सचिवालय में गया था, ठीक है, वहां से भी मेरे 15,000 रिश्वत मांगी गई, यानी मैं बोलूंगा कि इस आधार पे मैं कह रहा हूँ कि भैया हमारे देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये क्या तार्किक लेखन है यानी तर्क के आधार पे आप बता रहे हो। जैसे तुमने बोला कि फलाना जो व्यक्ति है वो रिश्वतखोर है, ठीक है, या करप्ट है, जैसे मैं लेख लिख रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ कि मेरी देश की जो सरकार है उस सरकार में करप्शन भरा हुआ है या वो सरकार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हुई सरकार है, ठीक है, तो मैं उसके आधार पर सबूत और एविडेंस भी बता रहा हूँ, ऐसे लेखन को हम लोग तार्किक लेखन कहेंगे, ठीक है जी। और फिर तार्किक लेखन की प्रक्रिया कैसे होगी, देखो तार्किक लेखन की जो प्रक्रिया होती है, अगर हम कोई चीज कहते हैं बताते हैं तो उसका कारण बताते हैं, जैसे मैंने बोला कि मेरे देश या जैसे मैंने बोला कि भाई ये चीज ऐसी होगी और चीज ऐसी क्यों हो रही है उसका कारण क्या है, ये भी अगर बता रहा हूँ ये तार्किक लेखन है। या अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कि भाई मान लीजिए कि परसों बारिश होगी, ठीक है, तो परसों बारिश होगी तो मौसम विज्ञान वाले उसके आधार पर अपना फैक्ट भी है ना कि भैया यहाँ की हवाएं फलानी चल रही है, तो क्या है यानी किसी के कथन के समर्थन में तर्क देना। जैसे मान लो किसी ने बोला है कि भाई भगवान राम बिल्कुल यथार्थ हैं, बिल्कुल सत्य हैं, ठीक है, तो उसके लिए रामचरितमानस की या रामायण की और दुनिया भर के उपनिषदों की लाइनें अगर कोई कोट करके बता रहा है कि भाई भगवान राम है, क्या है एक तर्क के आधार, यानी कि आपने किसी के समर्थन में कथन कहे हैं, ठीक है, अगर कोई बोल रहा है कि भैया ये चीज ऐसी है तो उसके सपोर्ट में मैं अगर अपना तर्क दूं, ये तार्किक लेखन है। या हम उदाहरणों के जरिए भी दे सकते हैं, अगर मैं कुछ कोई चीज बता रहा हूँ कि चीज ऐसी है तो मैं 4 एग्जाम्पल भी बता दूं, ठीक है, यानी इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं तार्किक लेखन करते हैं या तार्किक लेखन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग तार्किक लेखन को डिटेल में पढ़ने चलते हैं, देखिएगा तार्किक लेखन का तात्पर्य क्या है, देखिएगा तार्किक लेखन को समझने से पूर्व
उसके थोड़े से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझ लेना आवश्यक होगा। देखो तार्किक लेखन उस युग में शुरू हुआ है जब विज्ञान का जमाना आया, ठीक है। तर्क वहीं पर चलता है जहां पर भैया विज्ञान था। अगर मैं तुमको बात करूं कि तुम सबने सुना होगा कि हनुमान जी ने, ठीक है, लंका को नाग करके यानी समुद्र को पार करके लंका गए थे और सीता जी का पता लगा करके आए थे, लेकिन इस घटना में कोई तर्क नहीं है। क्या है इस घटना में? सिर्फ चमत्कारी कहानी है कि भाई हनुमान जी भगवान हैं और वो समुद्र लांग करके लंका चले गए थे, लेकिन इस घटना में क्या है कोई तर्क नहीं है। और आज ऐसी अगर कोई बात कहेगा या लिखेगा तो दुनिया उसको सच नहीं मानेगी, लेकिन आज के समय में जो लेखन वही माना जाएगा जिसमें तर्क होगा, वैज्ञानिकता होगी। पहले के जमाने में ऐसी जो बातें होती थी, कही जाती थी, वो चल जाती थी, क्योंकि उस समय विज्ञान उतना ज्यादा नहीं था। उस समय जो भी कहानियां होती थी लोग उसको स्वीकार कर लेते थे, लेकिन आज का जो समय है वो विज्ञान का जमाना है। आज के समय में अगर लेखक कोई अपनी बात कहता है या कोई अपनी बात लिखता है तो उसको उसको तर्क के आधार पर भी उसको कसौटी पर खरा उतरना होगा, ठीक है। आज आधुनिक युग में यूरोप में जब से पुनर्जागरण हुआ है, ठीक है, ज्ञान और विज्ञान का विकास हुआ है और बहुत सारी खोजें हुई हैं जिससे लोगों का चिंतन का तरीका बढ़ गया। आज व्यक्ति हर जीवन को तार्किक चिंतन होगा। आज देखो आज हमारी लाइफ में कोई भी घटना घटती है तो हम लोग सोचते हैं ना कि भाई मेरे लाइफ में चीजें क्यों हो रही हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है मेरे साथ। यानी आज का जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा विवेकशील हो गया है। आज वह हर चीज को तर्क के आधार पर, जैसे तुम किसी से बोलोगे ऐसा कर लो वैसा कर लो, बोलेगा क्यों कर लें, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। यानी हर व्यक्ति हर चीज को तर्क के आधार पर तौल रहा या नाप रहा, ठीक है। अगर देखेगा तार्किक लेखन का तात्पर्य है तर्क को कसौटी बनाकर के लिखना, यानी जब हम लोग तर्क के आधार पर, तर्क वितर्क के आधार पर या सबूत के आधार पर उदाहरण के साथ या इस ऐसे जब लेखन कोई किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तार्किक लेखन कहा जाता है। कुछ हम लेख जिसमें कार्य कारण संबंध या कार्य कारण संबंध पर आगे चर्चा करेंगे। कार्य कारण मतलब समझते हो, जैसे मान लो तुमने कोई चीज बताई है तो उसके होने का कारण भी बता रहे हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तार्किक लेखन बोलेंगे। देखो जो कविता होती है जो कहानी होती है उसमें कोई भी तर्क नहीं होता है उसमें सिर्फ सौंदर्य होता है, ठीक है। जो साहित्यिक होता है, जैसे किसी की तुमने कहानी सुनी है, अब एक बात बताओ, हीरा और मोती की कहानी तुम सबने सुना होगा, दो बैलों की जोड़ी प्रेमचंद की है, तो क्या तुम मानते हो कि सच में दो बैल ऐसे प्रेम करते होंगे, बताओ बताओ भाई बताओ, ठीक है। या यानी उसमें कोई तर्क नहीं है, क्या है उसमें कोई तर्क नहीं है। मेरा कहने का मतलब क्या है, आज के समय में जो चीजें लिखी जा रही हैं, आज के जो लेखक लिखते हैं उसको हर चीज को तर्क के आधार पर लिख रहे हैं। आज गणित क्या विज्ञान का जमाना है, इसलिए आज कह सकते हो कि वही कहानियां समाज सही मानेगा जिनमें तर्क वितर्क होगा या जिनको प्रमाणित किया जा सकता है, बाकी सिर्फ कोरी कहानियां बनकर के रह जाएंगी। देखो तार्किक लेखन की प्रक्रिया, देखिएगा किसी भी लेखन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात होती है विषय वस्तु का चयन। नहीं, जब हम तार्किक लेखन करें तो सबसे पहले हमें किस विषय पर तार्किक लेखन करना है उस विषय को डिफाइन करना यानी उस निकालना पड़ेगा। तार्किक लेखन की प्रक्रिया में विषय वस्तु का चुनाव विशिष्ट महत्व रखता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत विशिष्ट महत्व रखता है। विषय वस्तु के अनुरूप ही तर्क निर्मित होते हैं, जैसे यानी आपने जो सब्जेक्ट लिया है उसी के अकॉर्डिंग तो तर्क होगा। जैसे मान लो मैंने दहेज प्रथा का ले लिया भाई, ठीक है, कि भाई लड़कियों के शादी में बहुत ज्यादा दहेज वहेज देना पड़ रहा है, तो मैंने ले लिया तो फिर मैं बताऊंगा कि भाई यहाँ शादी हुई थी इतना इतना दहेज मांगा गया है, तो मैं क्या बता रहा हूँ, यानी उसी प्रकार से मुझे तर्क लाना पड़े ना। उदाहरण के लिए हमें इतिहास में किसी विषय वस्तु पर लिखना होगा तो हमें जो तर्क होंगे जो उदाहरण होंगे वो हमें इतिहास से लेने पड़ेंगे। अगर मैंने कोई विषय विज्ञान का चुना है तो मुझे विज्ञान के आधार पर तर्क देने पड़ेंगे। या मैंने कोई समाज का विषय चुना है कि आज हमारे समाज में कह सकते हो कि महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है या महिलाओं के खिलाफ जो दुर्व्यवहार की घटनाएं हैं वह बढ़ रही समाज में, तो मुझे उसके एग्जाम्पल भी देने पड़ेंगे ना कि भाई महिलाओं के साथ
छीना झपटी या डकैती या कह सकते हैं उनके साथ छेड़खानी की जो घटनाएं हैं, ठीक है, या जो मनचले घूमते रहते हैं, इस प्रकार की घटनाएं समाज में बढ़ रही है ना, तो तभी तो मैं बताऊंगा कि भाई महिलाओं के लिए समाज जो है सेफ नहीं रहेगा है, रात में घूम नहीं सकती, फिर नहीं सकती, क्या है ये तर्क मैं बता रहा हूँ ना, फिर मैं एग्जाम्पल दूंगा, भैया पुलिस में इतनी शिकायत दर्ज हुई है और इतनी शिकायतें रोज दर्ज हो रही हैं, उसमें दो चार लड़कियों के इंटरव्यू आ जाएंगे कि मैं फलानी बजे रास्ते में जा रहे थे, सुनसान रास्ता था, ठीक है, इस प्रकार से उसमें चार छह तर्क भी आ जाएंगे। यही क्या है तार्किक लेखन, इसी यानी यही तो तार्किक लेखन है ना, कि तुमने जो चीजें यानी जो विषय चुना है उसी के आधार पर आपका तर्क भी है, वैसा आप उदाहरण दे रहे हैं, वैसा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, यानी तार्किक लेखन करते समय सबसे पहले विषय का चुनाव करें, फिर उस विषय के आधार पर ही आपको तर्क लाने पड़ेंगे, वैसा इतिहास का विषय तो इतिहास जैसा तर्क होगा, विज्ञान विषय है तो विज्ञान जैसा तर्क होगा, अगर आपने कोई सामाजिक विषय चुना है, सोशल इशू है, तो उसको समाज में जो चीजें हैं वहां से आपको एग्जाम्पल लाना पड़ेगा उसको लिखने के लिए ना, तभी तो तार्किक लेखन करोगे। और तार्किक लेखन करते समय अगर हम किसी बात को कहते हैं तो उसके होने का कारण भी बताना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला कि भाई देश में महंगाई है तो महंगाई सच में बड़ी है, इसको मैं ये साबित भी करना पड़ेगा। अगर मैंने बोला कि आज हमारे देश में बेरोजगारी है तो साबित करना पड़ेगा। अगर मैंने बोला कि आज हमारे देश में खुशहाली है और लोग ज्यादा खुश हैप्पी है तो मुझे बताना पड़ेगा हाँ किस आधार पे मैं बोल रहा हूँ, यानी कार्य यानी आपने कोई कार्य बताया है तो उसका जो कारण है यह भी बताना पड़ेगा इसको यानी सिद्ध करने के लिए। ये क्या है, यही तो तार्किक लेखन है कि आप तर्क के आधार पर उसको क्या करेंगे बताएंगे, कथन के समर्थन में तर्क। जैसे मान लो कि आपने कोई कथन बोला है, जैसे मैंने बोला एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि आज हमारे देश में पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार है, तो मैंने एक कथन बोल दिया, सेंटेंस बोला है, तो मैं उस अपनी जो मैंने बात कही है उस बात के समर्थन में मैं कई सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं कई सारी बातें बता रहा हूँ कि भैया यहाँ गए तो वह थाने में करप्शन था, वहां SHO मेरे से पैसा मांग रहा था, हवलदार मेरे से पैसा मांग रहा था, ठीक है, ये क्या है, ये मैं अपने कथन यानी अपनी जो बात बोली है उसके सपोर्ट में मैं अगर बातें लिख रहा हूँ या बातें कह रहा हूँ, ये क्या है, यह एक प्रकार का क्या हो जाएगा भैया, तार्किक लेखन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक प्रकार का तार्क। अगर मैंने बोला कि भाई जब अंग्रेजों का जमाना था तो हमारे देश में आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी, किसानों का शोषण होता था, मजदूरों का शोषण होता था, तो भाई मैं किसान मजदूरों के शोषण के लिए वो अपने तर्क भी दूंगा ना कि भाई कि अंग्रेजों ने ऐसे कानून बनाया, ऐसे हो गया, किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा, तो यानी मैं उस कथन के लिए अपनी जो बातें बोली है उसके मैं तर्क भी दे रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ, नहीं मैं तर्क दे रहा हूँ, यानी ऐसे ऐसे चीजें सच में ऐसा है, ये क्या है, ये तार्किक लेखन ही तो होगा ना। अगला देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्या है, उदाहरणों का महत्व। देखो अगर मैंने कोई बात कही है, अगर मैं कोई बात बोल रहा हूँ तो उसमें मैं एग्जाम्पल के साथ यानी उदाहरण भी बता रहा हूँ कि जैसे मैंने बोला है कि कोई चीज, जैसे मैंने आज जैसे मैंने बोल दिया कि आज हमारे देश में, ठीक है, कि दुनिया भर की समस्याएं हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि आज हमारे देश में कि भाई खास तौर से विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, या आज हमारे देश में जो खास तौर से एजुकेशन का सेक्टर है उसमें बहुत तरक्की कर रहा है, ठीक है, तो मुझे उदाहरण भी देना पड़ेगा कि भाई कहाँ से तरक्की हो गई है, ठीक है, या मैंने कोई बोल दिया कि आज हमारे देश में कोई भी चीज है तो मैं उसमें उदाहरण भी दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मैंने बोल दिया कि हमारे देश की जो सरकार है आज भाई जो महिलाओं के लिए बड़ा काम कर रही है, ठीक है, या मैंने बोल दिया आज गरीबों के लिए वो काम कर रही है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि भाई मोदी की सरकार 5 किलो राशन दे रही है, ठीक है, या किसानों को सम्मान निधि 2000 महीना दे रही है, ठीक है, या मान लीजिए उज्ज्वला में सिलेंडर फिल्म बट रहा है, ठीक है, तो यानी मैं उदाहरण बता रहा हूँ ना, कि मैंने बोल दिया कि आज ही हमारी जो केंद्र की सरकार है वो बहुत अच्छी सरकार है, बहुत बेहतर सरकार है ना, तो एग्जाम्पल मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है, अब सरकार कैसी हो तुम जानो, ठीक है, देखिएगा, अब देखो जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि भाई सरकार बहुत अच्छी चल रही है, तो मैं बताऊंगा ना कि सरकार ने फलाना काम किया, ये काम किया, मैं उदाहरण बता रहा हूँ, इस आधार पे जब भी कोई चीज लिखी जाएगी वो भी क्या हुए उसी को भी हम लोग क्या बोलेंगे, तार्किक लेखन, यानी तार्किक लेखन करते समय हम उदाहरण का भी यूज करते हैं, अगर हमने कोई बात कही तो उसके कथन में अपने तर्क देते हैं, या हमने कोई बात लिखी है तो उसका उस घटना के होने का कारण बताते हैं, इस प्रकार से क्या होता है तार्किक लेखन किया जाता है या हम लोग करते हैं, ठीक है, ये तार्किक लेखन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने आपको आज 3 चीजें पढ़ाई हैं, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था आख्यान परख लेखन, ठीक है, या फिर मैंने आपको पढ़ाया था
व्यक्तिक लेखन, आख्यान परक लेखन, तार्किक लेखन और एक पढ़ाया वर्णात्मक लेखन। चैप्टर नंबर 9 वर्णात्मक लेखन, चैप्टर नंबर 10 आख्यान परक लेखन और चैप्टर नंबर 11 मैंने क्या पढ़ाया है, व्यक्तिक लेखन। ये तीनों चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इन चैप्टर से मैं जरूर कह सकता हूँ कि आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा, तो उन क्वेश्चनों को आपको जरूर करके आना है। ठीक है, इस क्लास में मैंने 3 चैप्टर आपको करवा दिए हैं, बाकी भी जो क्लास रहेगी वो लगातार इसी प्रकार से चलती रहेगी। अब मैं हर क्लास में लगभग 2-2 चैप्टर, 3-3 चैप्टर, 4-4 या 5-5 चैप्टर एक ही क्लास में मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, बाकी अगर आप सबका कोई सवाल है तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग चैनल पर जा करके जो दूसरी वीडियो है, और भी चैनल पर कई सारी वीडियो अपलोड कर रखी हैं, आप उनको जा करके जरूर देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो जो BHDL 136 है इसकी भी मैंने क्लासेस पढ़ा रखी हैं। तो मान लीजिए अगर आपको क्लास देखनी है, चैप्टर वाइज देखनी है, तो यहाँ पर आ जाइए BHDL 136। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पर क्या है कि BHDL 136 के टोटल 11 चैप्टर हैं और 11 के 11 चैप्टर का मैंने एक सिंगल चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है। आप इन वीडियो को भी जाकर के जरूर देख सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन जरूर कर सकते हैं। यहाँ से वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी अगर आपका कोई सवाल है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके मेरे से जरूर पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई जरूर कर सकूं। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर भी दूंगा। ठीक है, ओके।